चित्रकूट गुप्त गोदावरी मार्ग बंद, सड़क पर बैठे छात्र लगा लंबा जाम। मझगमा विकासखंड के आदर्श ग्राम पंचायत पलदेव में विद्यालय जाने के लिए सड़क नहीं होने के कारण छात्रों का फूटा गुस्सा। चित्रकूट गुप्त गोदावरी मार्ग किया बंद, 1 किलोमीटर तक लगा जाम। पिछले कई वर्षों से सड़क की मांग की जा रही थी, लेकिन आज तक स्कूल के लिए सड़क नहीं बनवाई गई। ज्ञात हो कि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ग्राम पंचायत पालदेव को गोद लिया था। 3 वर्ष तक मंत्री और जनप्रतिनिधि सहित अफसर यहां आकर खूब फोटोशूट करवाते, लेकिन सड़क नहीं बनवा पाए। नायक तहसीलदार हिमांशु शुक्ला और थाना प्रभारी चित्रकूट पंकज शुक्ला मौके पर पहुंचे, छात्रों को हटा रहे थे, लेकिन छात्राएं किसी भी तरह से हटने के लिए तैयार नहीं है। जाम सड़क से जाम लगातार बढ़ता जा रहा था। छात्रों का आरोप है कि पिछले समय तत्कालीन SDM PS त्रिपाठी को उन्होंने ज्ञापन दिया था। मौके पर सांसद और तत्कालीन विधायक ने निरीक्षण किया था। उसके बाद भी कई साल बीत जाने के बावजूद ना तो सड़क बनी और ना ही हमारे खेल ग्राउंड का कुछ हुआ है। सड़क खेत में तब्दील हो गई है, पानी भरा है, लेकिन किसी भी जिम्मेदार को कोई लेना देना नहीं है। छात्रों के भविष्य और शिक्षा से किसी को लेना देना नहीं है। बने 12 साल हो गए पर अभी तक सड़क नहीं बनी है। बरसात के मौसम में कीचड़ भर जाता है सड़क में, जिस रास्ते से हम निकल रहे हैं वो भी हमारे स्कूल प्रशासन की नहीं किसी दूसरे की है। अब हम क्या करें? वहाँ साइकिल हम बाहर खड़ी करते, साइकिलें चोरी हो जाती हैं, हम लोग वहाँ से गिरते पड़ते आते हैं, कोई हमारी कार्यवाही नहीं सुनता है, ना कोई कार्यवाही करता है। हमने SDM साहब को, तहसीलदार साहब को कई बार बोला भी है, कई बार उनके पास बहुत सारे अनुरोध भी किए हैं और उन्होंने आश्वासन हमें दिया है कि 7 दिन तक बन जाएगी, पर अभी तक नहीं पूरी हुई थी इसलिए हमने ये सब किया। आज आश्वासन मिला है कि फिर 7 दिन बाद यही करेंगे। बोल रहे थे कि आप लोग हम लोगों के साथ मिसबिहेव किए, हमने कुछ नहीं किया, बट वो लोग बोल रहे थे कि हम आपको पुलिस मतलब कि हम आपको महिला पुलिस से बुलवा के गिरफ्तार करवा लेंगे, और हम लोगों के साथ मिसबिहेव कर रहे थे, हमें धमका रहे थे, मानसिक दबाव बना रहे थे, और एक बच्चे को थप्पड़ भी मारे हैं गाली के वजह से। हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा था इसलिए हम चक्का जाम लगा रहे थे, और फिर चक्का जाम लगा रहे थे और जब पुलिस वाले साहब आए तो हम वीडियो बना रहे थे, तो उन्होंने हमें एक थप्पड़ मार दिया गाल। बोले कि 1 हफ्ता बाद बन जाएगी, 1 हफ्ता बाद निर्माण शुरू होगा। ये है कि जो बालदेव विद्यालय है इसमें जो जमीनें पहले दे दी गई थी सरकार द्वारा आवंटन में, वहाँ न बन के तो उसी जगह बन गया, क्योंकि बगल में पट्टे की जमीनें हैं लोगों की, वहाँ से बच्चे निकलते थे तो उनका कोई ऑब्जेक्शन नहीं, क्योंकि बरसात हुई थोड़ा पानी वानी भर गया तो बच्चे चाह रहे उधर से जाए, जबकि बच्चों के लिए रास्ता 2 बार, एक बार मेरे द्वारा, एक बार नायब तहसीलदार द्वारा नपवा के चिन्हित करके बता दिया गया था, तो अभी प्रचलन में उसको नहीं किया इसलिए ये समस्या हुई। हम आज आए हुए यहीं पर इनको नाप जोक करके JCB बुलाए हुए, तुरंत इनका रास्ता हम निकाल करके बच्चों का रास्ता बहाल कर देंगे। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा, संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602888 5990 पर।